चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और तमाम लेक्चर्स हमारे ब्लॉग पर मौजूद हैं। हर रोज़ एक नया लेक्चर अपलोड होता है, ज़रूर फॉलो करें हमें। अस्सलाम वालेकुम। हम नए एक नया कोर्स शुरू करने लगे हैं जिसमें हम ऑटोकैड सीखेंगे, ऑटोकैड 2D डिज़ाइन करना। आज इस कोर्स का पहला लेक्चर है। सबसे पहले हमें थोड़ा ऑटोकैड के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि ऑटोकैड है क्या। बेसिकली ऑटोकैड एक सॉफ्टवेयर है जो कि कैड सॉफ्टवेयर है। कैड होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, मतलब कंप्यूटर के ऊपर आप कोई भी चीज़ डिज़ाइन करते हैं ना, तो आप किसी कैड सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हैं। आजकल तो काफ़ी ज़्यादा और सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं जो कि ऑटोकैड के मुकाबले के हैं, लेकिन ऑटोकैड एक बहुत ही पुराना और एक अच्छा सॉफ्टवेयर है जो कि लोग आज भी यूज़ कर रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, अब कौन सी इंडस्ट्री में यूज़ कर रहे हैं? अब सबसे पहले तो आर्किटेक्चरल फर्म्स जो है ना, आर्किटेक्चरल प्लान्स बनाने के लिए यूज़ कर रही हैं। दूसरा इलेक्ट्रिकल प्लान्स और प्लम्बिंग के प्लान्स, इतने ज़्यादा प्लान्स होते हैं, सारे के सारे ऑटोकैड पे ही बनते हैं। और उसके अलावा बिल्डिंग के पूरे पूरे डिज़ाइन, अंदर के फर्नीचर के, वो सारे के सारे जो हैं ऑटोकैड पे ही बनते हैं। और इसके बहुत सारे यूज़ेस हैं। पहले हम एक दफ़ा ऑटोकैड सॉफ्टवेयर का आउटलुक देख लें किस तरह का होता है। जब आप ऑटोकैड इंस्टॉल कर लेंगे और उसमें एक नई शीट बना लेंगे तो वो इस तरह का दिखेगा। ठीक है, अब इस शीट में आपको नज़र आ रहा हो काफ़ी ज़्यादा टूल्स हैं। अभी जो ऊपर का सारा एरिया है टूल्स मेन्यू, यहाँ पे आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। यहाँ पे ड्रॉप डाउन हैं, अलहदा अलहदा पैनल्स हैं। उसके अलावा आपके जितने भी टूल्स जो आपने यूज़ करने हैं ऑटोकैड के, मोस्टली आपको 2D डिज़ाइन के टूल्स इसी जगह पर मिल जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा ड्रॉप डाउन भी हैं यहाँ पे जो कोई और टूल्स जो हैं दिखाते हैं, जब आपको ज़रूरत हो तो फिर आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये आपके इंपॉर्टेंट टैब्स हैं जो कि आप यूज़ करेंगे, और ये जनरल हर ही प्रोग्राम के अंदर होते हैं। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है ना, वो ऑटोकैड का उसका ड्राइंग एरिया है जहाँ पे आप 2D डिज़ाइन करते हैं। अब यहाँ पे इस एरिया के ऊपर सारा का सारा जो एरिया है ये बॉक्सेस से कवर्ड है, और हर बॉक्स जो है वो एक यूनिट को शो करता है। ठीक है, अब इसके ऊपर अगर ये ग्रिड्स लाइंस इसको कहते हैं हम, ये लाइंस बेसिकली रेफरेंस के लिए होती है कि जब आपने खुद से कोई लाइन बनानी हो और आपको पता हो कि उसके यूनिट्स क्या हैं, तो आप इनको यूज़ करते हुए बना सकते हैं। ठीक है, अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये एक्स वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस को अगेंस्ट काम करता है। अगर आपको इसके बारे में इलम नहीं है तो पहले आप एक आध लेक्चर इसका देख लें, कोऑर्डिनेट एक्सिस का किस तरह ये काम करते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब उसके बाद आता है व्यू क्यूब। व्यू क्यूब उस वक्त काम आता है जब आप 3D ड्राइंग बना रहे हो। व्यू क्यूब क्या करता है कि एक सारे इसको किसी भी व्यू से शो कर देता है ड्राइंग को। ख़ास तौर पे अगर 3D ड्राइंग है, आपने डिफरेंट एंगल से देखनी है, तो आप व्यू क्यूब की मदद से देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास एक नीचे ऑप्शन आता है, वो है कोऑर्डिनेट्स का। अब जो अभी हम कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ कर रहे हैं वो है WCS। अगर आपने कोई और कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना है तो आप न्यू UCS को क्लिक करेंगे और नया कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेंगे। अब नया कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप एक्स और वाई और जेड एक्सिस को शिफ्ट कर रहे होंगे, आप उनकी ओरिएंटेशन को भी शिफ्ट कर सकते हैं और किसी भी एंगल पे नया एक्सिस बना सकते हैं। लेकिन ये काम हम 2D डिज़ाइन में नहीं करते हैं, ज़्यादातर 3D डिज़ाइन में करते हैं। उसके बाद आता है नेविगेशन टैब। अब नेविगेशन टैब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल्स हैं, और ये सारी की सारी जो है ना, ये ड्राइंग की व्यू के लिए होती हैं। मतलब ये दोनों चीज़ें जो है ड्राइंग की व्यू करने के लिए, व्यू चेंज करने के लिए, और किस तरह का व्यू चाहिए उस तरह के लिए करने के लिए होती है। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंट टूल्स हैं, नेविगेशन व्हील जिसको कहते हैं वो भी है हमारे पास। इस तरह आप जो जूम करना हो, पैन करना हो, ये एक तरह से सारा कुछ बाहर ले आता है। मतलब जो व्हील है ना, सारे जो ऑप्शन है इनको बाहर ले आता है। उसके बाद है पैन। पैन होता है कि अगर आपने ड्राइंग को इधर उधर करना हो, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा किस तरह ये घूम रहा है एक्स एक्सिस, मैं इधर लेके जाना चाहता हूँ, इधर जा रहा है, इधर लेके जाना चाह रहा हूँ, इधर जा रहा है, तो ड्राइंग की कोई भी एरिया मैं व्यू करना चाहूँ, मैं इसकी मदद से देख सकता हूँ। उसके बाद होता है जूम एक्सटेंड। जूम एक्सटेंड होता है कि अगर आपने एक ड्राइंग बनाई हो तो उसके चारों कोनों को शो कर देती है। मतलब पूरी ड्राइंग अगर आपने शो करनी हो तो आप जूम एक्सटेंड को बनाएंगे। अब चूंकि मैंने अभी कुछ ड्रॉ नहीं किया हुआ, तो जूम एक्सटेंड मुझे दोबारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ही शो कर रहा है। ठीक है, उसके बाद है ऑर्बिट। अब ऑर्बिट 3D ड्राइंग के लिए होता है। क्यों? क्योंकि उससे हम एक चीज़ को 3D व्यू में देख सकते हैं, आराम से उसको नेविगेट कर सकते हैं कि किस तरह हमने उसको शो करना है। अब ये जो प्लेन हमें नज़र आ रहा है ना, ये जेड इज इक्वल टू जीरो प्लेन है, क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज़ मिलती हैं, और 2D में हमें सिर्फ यही ज़रूरी होता है। उसके बाद एक ऑप्शन आ जाता है, आखिरी ऑप्शन नेविगेशन बार का, वो है शो मोशन। अगर आपने कोई एनिमेशन क्रिएट करनी हो तो आप शो मोशन का यूज़ करते हैं, और हम 2D में नहीं करते इसको, ज़्यादातर 3D में ही करते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा बेहतर लगता है शो मोशन। इसके बाद आता है हमारा नेविगेशन बार के बाद आता है हमारा
कमांड विंडो। अब जितनी भी हमारी कमांड्स हम सीखते हैं ऑटोकैड की, वो सारी के सारी हम इधर टाइप करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं लाइन कमांड यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं लाइन कमांड इधर एंटर करूँगा, लाइन लिखूँगा, एंटर प्रेस किया, और यहाँ पे आ जाएगा कि कौन सी कमांड यूज़ हो रही है और कौन सी कमांड मैंने टाइप की है। अब उसके बाद मैं अगर क्लिक करता हूँ कहीं भी, तो वो बताता है मुझे कि मैंने उसके बाद क्या करना है। ठीक है, अब ये सारा कुछ कमांड विंडो के थ्रू हो रहा है। ठीक है, इसमें जो जो कमांड हमने एग्जीक्यूट की होगी वो सारी की सारी इधर शो होती जाएगी। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी स्टेटस बार। स्टेटस बार में हमें सबसे पहले तो तीन मॉडल लेआउट्स नज़र आ रहे होते हैं, मतलब एक मॉडल और दो लेआउट्स। लेआउट्स होते हैं, अगर आपने ड्राइंग के किसी एक पार्ट को अलहदा करना हो तो आप लेआउट का यूज़ करते हो। ठीक है, ये सेम उसी शीट को जो मॉडल में हमने ड्रॉ की होगी उसको हमें शो करेगा। ठीक है, और उसमें अगर आपने कोई एक्स्ट्रा फीचर्स डालने हैं, टेक्स्ट डालना है, तो वो आपको इधर शो हो जाएगा। ये एक बेसिकली एक पेपर शो किया हुआ है उसने, इस पेपर के ऊपर ड्राइंग आपको किस तरह नज़र आएगी। ठीक है, लेआउट सेम, टू भी सेम यही चीज़ है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा स्टेटस बार के बाकी सारे ऑप्शंस। अब यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। अब सबसे पहले आता है डिस्प्ले ग्रिड। अब ग्रिड हमारी क्या है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की लाइंस जो आपको नज़र आ रही हैं, रेक्टेंगुलर बॉक्सेस बने हुए हैं उन लाइंस के। अगर हम इसको प्रेस कर देंगे तो वो गायब हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको ज़रूरत नहीं है, ख़ास तौर पर आप जब 3D में जाएंगे, तो आपको होगा कि हमें ज़ीरो प्लेन नहीं चाहिए नज़र आना चाहिए। ठीक है, तो फिर आप इसको ऑफ़ कर देंगे ताकि आपकी ड्राइंग आपको क्लियर नज़र आए। ठीक है, लेकिन 2D ड्राइंग में हमें इसकी ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमने कितने यूनिट्स की लाइन बनाई है और कितने की ड्रॉ हुई है। बाज़ औक़ात होता है कि गलत टाइप हो जाता है बंदे से। ठीक है, उसके बाद अगला आता है स्नैप मोड। स्नैप मोड उस वक्त आता है जब आप कमांड एंटर कर रहे हो, जैसे कि मैं लाइन एंटर करता हूँ। तो बेसिकली स्नैप मोड क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ बॉक्सेस के एंड पॉइंट्स पे ही मुझे लाइन ड्रॉ करने देता है। ठीक है, मतलब मैं बीच में नहीं कर सकता लाइन। जैसे कि ये पॉइंट है 0.5 और ये पॉइंट है 1, इनके बीच में ही मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं स्नैप मोड ऑफ कर दूँ तो मैं लाइन को कहीं भी ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, मतलब ये बीच में एक पॉइंट है जो बिल्कुल सर्कल के सेंटर में है, मैं इधर से लेके कहीं तक भी ड्रॉ कर सकता हूँ। मुझे स्नैप मोड की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जबकि स्नैप मोड आ जाए तो मुझे सिर्फ बॉक्सेस के एंड पे ही लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। अच्छा, उसके बाद आ जाता है ऑर्थो मोड। ऑर्थो मोड क्या करता है कि वो लाइन को सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलरली ड्रॉ करता है, परपेंडिकुलर या स्ट्रेट कह लें। ठीक है, अब परपेंडिकुलर स्ट्रेट किसके परपेंडिकुलर और किसके स्ट्रेट, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल। सिर्फ और सिर्फ ये दो केसेस होते हैं जब आप ऑर्थो मोड ऑन कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट करें, मैंने लाइन एंटर की, इधर से मैं लगा रहा हूँ, मैं यहाँ तक ले जाता हूँ। ठीक है, मैं कहीं भी ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ऑर्थो मोड ऑन कर लेता हूँ। अब मैं सिर्फ राइट साइड पर जा सकता हूँ जहाँ एंगल हमारा 0 है, वर्टिकल जा सकता हूँ जहाँ एंगल हमारा 90 है, इस तरफ जा सकता हूँ जब हमारा 180 के एंगल, और दोबारा नीचे 270 के एंगल पे जा सकूँ। मतलब ये फोर एंगल है जहाँ पे हमारे लाइन जो है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल है या तो परपेंडिकुलर है। ठीक है, यही अलाउ होता है। उसके बाद आ जाता है हमारा रिस्ट्रिक्ट कर्सर टू स्पेसिफाइड एंगल्स। अब ये उस वक्त यूज़ होता है जब आपने सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक एंगल्स को ही करना हो। लेकिन उससे बेहतर ऑप्शन है ये आइसोमेट्रिक ड्राफ्टिंग का। मतलब इसमें हमें क्या होता है कि हमने स्पेसिफिक एक्सिस के अलॉन्ग अगर लाइन ड्रॉ करनी हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, आइसोमेट्रिक यूज़ करते हैं। अब आपने देखा होगा कि नोटिस किया होगा कि हमारा प्लेन भी है वो शिफ्ट हो गया। क्यों? क्योंकि हमने बेसिकली प्लेन को ही शिफ्ट कर दिया। अब मैं कोई लाइन लेता हूँ और अब मैं ऑर्थो मोड ऑन करता हूँ, तो ऑर्थो मोड मेरा चेंज हो गया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बेसिकली मैंने प्लेन ही चेंज कर दिया हुआ है। ठीक है, अब फर्स्ट करें, ये प्लेन नहीं चाहिए मुझे, इसने हमें तीन प्लेन्स की ऑप्शन दी होती है। ठीक है, एक आइसो प्लेन लेफ्ट, आइसो प्लेन टॉप, आइसो प्लेन राइट। बेसिकली हम आइसो प्लेन टॉप ही यूज़ करते हैं क्योंकि ये बेहतर लगता है आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स के लिए। ठीक है, अब आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स क्या होती हैं वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। उसके बाद आ जाता है हमारा शो स्नैपिंग रेफरेंस लाइंस। मतलब कि जब आप स्नैप करते हैं, अब स्नैप का अभी तक हमारे पास कोई केस आया नहीं है, लेकिन आगे जाके आएंगे काफ़ी केसेस, तब मैं आपको बेहतर बताऊंगा कि क्या होगा। और बाकी जितने ऑप्शंस हैं ये सारे तब आएंगे जब हम कोई ड्राइंग कर रहे होंगे। अब पहला लेक्चर हम यही ख़त्म करते हैं, कल के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे ड्राइंग करना और कमांड सीखना। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और तमाम लेक्चर्स हमारे ब्लॉग पर मौजूद हैं, हर रोज़ एक नया लेक्चर अपलोड होता है, ज़रूर फॉलो करें हमें।